नमस्कार। सर्वप्रथम मैं जन सरोकार मंच टोक के संयोजक आदरणीय देवेंद्र जोशी जी, पाती मुहिम के शिल्पकार, हाँ वो शिल्पकार ही है, आदरणीय सूरज नेगी जी एवं डॉक्टर मीना सिरोला जी तथा अशोक सक्सेना जी का आभार प्रकट करती हूँ, वंदन प्रणाम करते हैं। मेरा ये पाती वाचन का कार्यक्रम आरंभ कर रही हूँ। मैं जब एक समूह में थी उस समूह में नेगी सर ने कुछ डाला था कि ऐसा ऐसा हम कार्यक्रम कर रहे हैं पाती वाचन का, तो उस समय ऐसा दिल में थोड़ी सी मायूसी लगी, ऐसा लगा कि काश मैं भी इस मुहिम से जुड़ सकती और संयोग से मुझे मेरी ये मनोकामना पूरी हो गई। लेकिन फिर भी उसमें एक थोड़ा सा दुख ये था कि अपनी बेटी को पत्र लिखो, पापा को लिखो, पिता को लिखो, गुरु शिष्य ऐसा जो जहाँ भावना संवेदना ज़्यादा प्रबल होती है वो मेरा चुप गया, मतलब फिर भी मैं बोली जो होता है अच्छे के लिए होता है। और फिर जब ये मित्र को पाती लिखो और प्रकृति की पाती मानव के नाम, मतलब बहुत अच्छा विषय लिया है, उसके बाद लॉकडाउन के अनुभव, ऐसे इसमें मैं फिर सम्मिलित होते गई और अपने मन की भावना को पाती द्वारे बताती गई। उस समय पाती लिखना एक हम लोगों को स्कूल में विषय था, पाती कैसे लिखना है, आपको उसका श्री गणेशा कैसे करना है, दाहिने साइड में क्या लिखना है, उसके बाद मायना क्या लिखना है, नीचे कैसे आपको समाप्त करना है, ये सब चीज़ें हर विषय के, मतलब हिंदी, मराठी और अंग्रेजी, हर भाषा में ये आवश्यक था। और एक याद आती है, उस समय पाती लेखन मतलब पत्र पोस्ट कार्ड होता था, पोस्ट कार्ड कितना इतना सा होता था, बिल्कुल ये हाथ में आ जाए इतना। और पाती लेखन क्योंकि उस समय तो ये मोबाइल इंटरनेट ये ऐसी प्रगत टेक्नोलॉजी नहीं थी, तो हम एक दूसरे से संपर्क इसी से कर सकते थे, ऐसे ही हमने संपर्क किया सबसे। तो उसमें हम जब अपने मनोभाव लिखते थे या कुछ संदेश देते थे या एक दूसरे से बातें करना चाहते थे या हालचाल पूछना चाहते थे, उस समय ऐसा हो गया कि लिखने वाले को वो पत्र या पोस्ट कार्ड बहुत कम लगने लगा। फिर उसने मतलब गवर्नमेंट, मतलब भारत सरकार ने, क्योंकि जैसे लोग बोलते रहते हैं तो फिर उन्होंने जोड़ कार्ड निकाला और उस जोड़ कार्ड में ऐसा बीच में ऐसा गैप रहता था, ऐसा मतलब वो चाहे तो आप फाड़ के रख भी सकते थे, चाहे तो आप वैसा। तो उसमें दो प्रकार के सुविधा थी, क्या सुविधा थी कि यदि मैंने अपने किसी सहेली को पत्र लिखा है, ठीक है, तो उस पत्र में कुछ मैं ऐसा लिखती थी कि मुझे ऐसा लगता था उसका जवाब मुझे जल्दी मिलना चाहिए, कि मैंने जो लिखा है वो उसके जवाब की उत्सुकता रहती थी। अब सामने वाला जिसको पाती मिलता था
अब क्या करेंगे, कैसे लिखेंगे, अब फिर पोस्ट कार्ड, पोस्ट ऑफिस में जाओ पोस्ट कार्ड लाओ, यदि नहीं है उसके पास तो देरी हो जाती थी। तो ये पोस्ट कार्ड में, डबल पोस्ट कार्ड में ऐसी सुविधा थी कि हम लोग या तो मेरा पता, नाम और पता में दूसरे इसमें डाल देती थी, बाकी कोरापन ना रहता था, फिर मेरी सहेली या जिसको भी वो पत्र मिलता था वो तुरंत उसका जवाब उसी पे लिख के वो फाड़ के पोस्ट में डाल देती थी, मतलब जो बीच वाला ये है, तो आप समझेंगे पाची को फाड़ दिया। नहीं, ऐसी मजाक कर रही हूँ। तो मुझे वो जल्दी मिल जाता था, लेकिन जल्दी भी क्या मिलता था, कभी कभी ऐसी मजा आती थी कि कुछ पातियाँ 6-6 महीने के बाद भी मिलती थी आपको, इंटरव्यू का कार्ड और एक परीक्षा खत्म हो गई, ये दोनों सूचनाएं एक साथ मिलती थी, इतना वो समय का ये था। तो ठीक है, अभी पाती के बारे में और भी मैं बहुत कुछ बताऊंगी, पहले मैं अपना पाती लेखन चालू करती हूँ। आप सबका धन्यवाद। प्रिय सखी मृदु, तुम्हारा पत्र पाकर एक सुखद अनुभव हुआ। कोरोना के चलते सब अपने अपने घरों में स्थानबद्ध है, इस अवसर पर ये पत्र पाना और सब हलचल जान के दिल को शीतलता मिल गई। तप्त मरुधर में जैसे वर्षा के बूंदों ने अनगिनत चुंबनों की बौछार कर दी, वाकई बहुत अच्छा लगा। आजकल मोबाइल से बात हो सकती है या वीडियो द्वारा एक दूसरे को देख के बातचीत होती है, परंतु न जाने क्यों बचपन के साथी इसमें मुझे वह प्यार और अपनापन नहीं दिखता है जो एक पाती लिखकर हम उस समय सबका हाल जान लेते थे। तुम्हें भी जरूर ऐसा लगता है ना, इसीलिए तो तुमने पाती मुझे लिखी और मैं भी उसका जवाब देने तुरंत बैठ गई। अभी जैसे किसी की पाती मिल जाती है तो ऐसा लगता है महीनों भर का, सालों भर का इंतजार एक पल में खत्म हो जाता है। अभी डाक सेवा शुरू है, इसलिए कम से कम हम ऐसे पाती लिख के दिल के हाल जान सकते हैं, इसके लिए सरकार को भी बहुत बहुत धन्यवाद। बच्चों को मैं अपने बचपन के खेल और शरारतों से जब अवगत कराती हूँ तो वह भी तन्मयता से ये सब सुनने उत्सुक रहते हैं। बेचारे गर्मी की छुट्टियाँ, लेकिन ना बाहर जा सकते हैं, ना घूमने जा सकते हैं, ना बाहर पार्क में जाके खेल सकते हैं। ये 2 महीने का लॉकडाउन उनके लिए बहुत भारी है। अब सरकार बाद में कुछ ढिलाई करेगी वो बात अलग है। याद है हम स्कूल के समय जब भी छुट्टी होती तो कैसे पेड़ों के ऊपर चढ़ जाते थे और फिर नीचे छलांग मारना, उछल उछल कर गिरते थे, कूदते थे, चोट खाते थे, खून आता था शरीर में, फिर भी हमको उसकी परवाह नहीं थी, अध्यापकों से भी डांट खाते थे, लेकिन बेशर बच्चे होते, ये तो फिर बच्चे को कौन है ना, तो हम उसकी परवाह नहीं करते थे और ये हमारा चलता ही था। अच्छा, स्कूल से भी सीधा घर नहीं लौटते थे, याद है ना, हमारे समय तो ये स्कूल बस वगैरह कुछ नहीं था, हम यवतमाल में थे उस समय तो घोड़ा गाड़ी, मतलब जो तांगा है वो रहता था, और साइकिल रिक्शा तो उस समय बहुत देरी से आई थी, तो कभी कभी तांगे में जाते थे, कभी कभी पैदल, और हमको पैदल चलने में ज़्यादा मज़ा आता था, रास्ते में सीधा चलना भी नहीं, किसी भी चीज़ को ठोकर मारते जाओ, चप्पल से कंकड़ उछालो, पत्थर उछालो, उसमें हमारी चप्पल भी गिर जाती थी, जूते भी गिर जाते थे, चप्पलें टूटती थी, हमको घर में डांट भी मिलती थी, लेकिन हम है कि ढाक के तीन पात
हमारे ऊपर उसका कुछ असर नहीं होता था, हम इतने मस्ती में रहते थे। अच्छा ये तो सब हो गया, उसके बाद भी कहीं मंदिर दिखा तो हम मंदिर में चले जाते थे। कुछ हमारे मन में कुछ भगवान के प्रति आस्था श्रद्धा उस समय तो ऐसा कुछ नहीं था, बस प्रसाद ही का लालच था। अब प्रसाद कितना इतना सा तो है, लेकिन वो भी हमारे लिए बहुत था। तो उसके लिए भी हम लोग वो भीड़ में जाके दोनों करके अपने हाथ आगे बढ़ाते थे, आज शर्म आती है सोच के भी कि हम कैसे पागल जैसे पागलपंती था हमारा वो बचपन। हम लोग वो उसको छुपाने के लिए बचपना कहते हैं, लेकिन था वो हमारा पागलपंती। और इतने समय की जब हम घर पहुंचते थे तो इतने समय की भूख, घर का दरवाजा देखते ही बिल मिलाकर हमारे पेट से शुद्धा तृप्ति के संकेत देना चालू करती थी। और हम भी बस्ता फेंक कर जूते चप्पल निकाल कर बिना हाथ मुंह धोए वैसे रसोई में घुस जाते थे। माँ भूख लगे खाने को दो खाने को दो, माँ डांटती भी थी फिर भी हम नहीं नहीं नहीं, लेकिन जब तक हम हाथ पाँव धो के साफ सुथरे हो के नहीं थे तब तक हमको कुछ खाने को मिलता भी नहीं था। आज लेकिन हम जब ये याद करते हैं ना मृदु, तो वाकई हम मुझे लगता है कि हमने बहुत मस्ती की। अभी तो इन बच्चों को स्कूल बस है तो स्कूल बस में बैठ के जाना, स्कूल बस में बैठ के आना, तो रास्ते में वो शरारते वो मस्ती करने का वो माहौल ही नहीं है। लेकिन ये सब याद करके हंसी भी आती है, लेकिन गृहस्थी के चक्के में है ना, गृहस्थी के चक्कर में वो कारवा चला गया और सिर्फ गुब्बार रह गया। ये जब बच्चों को बताती हूँ और भी कई किस्से तो उन्हें भी ये सब मज़ेदार लगता है। दुख होता जब इन बच्चों का बचपन स्कूल की स्पर्धात्मक पढ़ाई के साथ किताबों के अनावश्यक बोझ के तले दबकर असमय उनका बचपना जैसे छीन गया है, उनको उनके बचपन से वंचित कर दिया है, ऐसा ही लगता है। और ये स्पर्धा भी कैसी, ये बच्चों में स्पर्धा नहीं मतलब पालक पालक में स्पर्धा रहती है, उसका बेटा मेरिट में आया, इसका बेटा उसने इतने मार्क्स कमाए, तुम्हारे इतने के, वो बच्चों के पीछे। और उसी में कुंठा से ग्रस्त बच्चे कभी आत्महत्या भी करते, पालक लोग कब इस बात। अच्छा है हमारे समय ये सब नहीं था। तुमने जब पाती में स्कूल के शरारत का जिक्र किया कि कैसे हम लोग अजीबोगरीब आवाज निकालते थे कक्षा में, और तब हम छोटे नहीं थे, मिडिल स्कूल के बच्चे थे ना, छठवीं सातवीं के, और ये ऐसे अजीबोगरीब आवाज निकाल के कक्षा में, हम बैक बेंचर थे लेकिन शरारती थे इसलिए तो बैक बेंचर थे। और शिक्षक की नज़र जैसे ही हम पर पढ़ती तो उसके नज़र में हम आने के पहले बिल्कुल शांत एक होनहार विद्यार्थी की तरह हम बोर्ड की तरफ देखते थे और एकदम गंभीरता थी हमारी मुंह पे। या तो ऐसे नीचे मुंडी रखे किताबें खोल के उसमें जैसे हम कुछ पढ़ रहे हैं बोर्ड की तरफ देख रहे हैं पढ़ रहे हैं ऐसा करके। वाकई कितने बदमाश थे हम लोग, बिल्कुल एक समझदार विद्यार्थी की तरह दिखावा करते थे। ये सही में ये अभिनय कला है, मुझे तो ऐसा लगता है ये हमारे रग रग में ये अभिनय कला भीग गई थी उस समय भी। लेकिन एक बात ये भी अच्छी हुई कि तुम्हारी पाती मिलकर दिल फिर बचपन में जाने तड़प उठा और बस तय किया अब खुद के बच्चों को कम से कम कुछ ऐसे किस्से सुनाकर उनका दिल बहलाऊं। बच्चों को भी अब टीवी से ज़्यादा ये सुनना पसंद आ रहा है वाकई, क्योंकि इसमें जिंदा दिली है, सरलता है, सहजता है और ये नैसर्गिक रीता है। टीवी में बच्चों के लिए सीरियल तो रहते हैं लेकिन फिर भी उस सीरियल में अपना पढ़ने, मैंने देखा बहुत सी सीरियल्स
जैसे जापानीज या इस जापान के ज़्यादा रहते बच्चों की सीरियल, तो उसमें वो जो हमारी संस्कृति है या हमारी भावना है वो नहीं है, वो एक अलग ही माहौल में दिखता है। तभी बच्चों को भी मेरे मुंह से ये सब सुनने में ज़्यादा मज़ा आता है। इसके साथ ही तुम्हारा सुझाव, तुमने बहुत अच्छा सुझाव दिया कि बच्चों को अपनी संस्कृति तथा निसर्ग के बारे में जरूर बताते जाना, सिर्फ अपनी शरारत मत बताना। इसके लिए सस्नेह धन्यवाद। बहुत अच्छा लगा। सुखद पलों के इंतजार में तुम्हारी सखी नीलिमा। और चलते चलते एक बात, जिसको हम लोग ताक पर लिखते थे, ताक यानी ताजा कलम, कुछ छूट गया तो फिर से, तुम्हारे पाती का इंतजार है। जल्दी पाती भेजना, मोबाइल नहीं, वीडियो कॉलिंग नहीं। ओके, ठीक है। तो ये था, मैंने अपनी सखी मृदुल को लिखा था पत्र। तो ये पत्र मैंने अपनी सखी को लिखा था, बचपन की मेरी सखी थी। अब मैं बता रही हूँ पाती के बारे में। जैसे मैंने बताया, उस समय पोस्ट कार्ड था। तो पोस्ट कार्ड क्या, एक जैसे पहले छोटा सा था, फिर जोड़ कार्ड आया, वो तो मैंने आपको बता दिया। उसके बाद फिर भी लोगों को लगा, अरे ये तो बहुत कम है, और कोई भी हमारा पढ़ लेता है, हमारी मन की बात कोई भी इंसान पढ़ लेगा, अहरा गहरा तो कैसे अच्छा नहीं लगता ना, पोस्टमार्ट तो पढ़ता ही पड़ता है। तो उसके बाद फिर इनलैंड आए, मतलब बंद ऐसे, अब इनलैंड हो गए देश के देश में, विदेश में भी तो अपने लोग रहते, और उस समय टेलीफोन भी बहुत बिरले थे, बहुत बहुत ऊँचे खानदान मतलब पैसे वाले लोगों के घर में। ये तो मुझे लगता है टेलीफोन आम लोगों के पास करीब 1990 और 2000, उस समय टेलीफोन घर में लोगों के BSNL के आने लगे थे। और उसके बाद तो मोबाइल आया। लेकिन ये टेलीफोन के भी किस्से ऐसे हैं कि जब सरकार ने कुछ ऐसी योजना शुरू की कि सबके पास तो टेलीफोन नहीं है, और टेलीफोन उठा के तो कोई नहीं जाता गांव में ना, वो तो गांव में रहता है, जैसे अपने बच्चे स्कूल पढ़ाई के लिए आगे हॉस्टल में जाके रहते हैं, फिर वो अपने पेरेंट्स से कैसे बातें करेंगे। तो वहाँ कॉलेज में टेलीफोन का सुविधा था, तो सिर्फ संडे को उनको, मतलब इतवार के दिन उनको ये मोहलत थी कि इतवार को अपने पेरेंट्स से बात करना। बाद में ऐसा कुछ आया कि ऐसा क्षण आया कि हम लोग कतार में खड़े रहते थे सार्वजनिक टेलीफोन के ऊपर, और उस समय कुछ हमको पैसा देना पड़ता था और एक 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 करके। लेकिन फिर मोबाइल आया, तो वो तो साधारण था, तब तो एंड्रॉइड नहीं था, अब तो बल्ले बल्ले है। अब तो आपको मोबाइल, मतलब एंड्रॉइड से आप वीडियो में बातें कर सकते हैं, जैसे मैं आज कर रही हूँ, या जो भी हालचाल लाइव आप सब देख सकते हैं, या बच्चे लोग भी जिनके प्रदेश में है वो भी वहाँ से लाइव टेलीकास्ट करके अपने पेरेंट्स को वो सुख देते हैं, ये भी एक बहुत अच्छा हो गया है। तो अब मज़ेदार किस्सा। जी नमस्ते नीलम जी। तो एक मज़ेदार किस्से मैं बताती हूँ ये पाती के चलते। उस समय जैसे पोस्ट कार्ड था, गाँव में तो लोग अनपढ़ थे, उनको लिखना पढ़ना कुछ भी नहीं आता था। अब मानो किसी का पति काम के लिए परदेश गया है, और श्रीमती जी को अपने दिल की बातें उनको कहना है, तो वो कैसे कहेगी, वो भी बेचारी अनपढ़ गवार। तो या तो वो आस पड़ोस में किसी को, भैया, चाचा, ताऊ जी, जिसको भी आता है पढ़ना लिखना, पति देव को थोड़ा ये ऐसा लिख दो वैसा लिख दो करके वो भी लिख देते।
लिख तो देते थे, पोस्टमैन लेके जाता था, पतिदेव को मिल जाता था, लेकिन पतिदेव क्या करेगा, काला अक्षर भैंस बराबर। वो बोलता पोस्टमैन भैया ओ डाकिया भैया, हमें तो पढ़ना लिखना नहीं आता, हमारे घर वाली ने क्या लिखा है जरा पढ़ के बताइए। पोस्टमैन भी बताता, अच्छा वो जब बताता था उस समय पूरी भीड़ वहाँ इकट्ठा जमा हो जाती थी सुनने के लिए कि क्या आया इसके श्रीमती का पत्र, उसने क्या लिखा है। तो उस आदमी को भी भले वो साधारण सा पत्र हो लेकिन है तो वैयक्तिक, उसको भी शर्म आती थी। फिर ये बातें जब सरकार के पास ऐसी जाती थी तो फिर वो इनलाइन लेटर आया था, उसके बाद आया आपका बाहर भी प्रदेश में जो अपने लोग हैं उनके लिए एयर मेल आया, फिर आप लिफाफे में डाल के भी चिट्ठी वगैरह लिख सकते थे। ऐसे मजा बहुत ही मजा, मतलब उस समय के ये किस्से। हाँ अच्छा, अभी ये जैसे मैंने अपने मित्र को मृदुल को पाती लिखी ना, उसी के चलते कुछ बचपन के वो किस्से भी सुना देती हूँ। हम लोग जब ऐसे जाते थे ना पैदल स्कूलों में, तो उस समय तो इतनी बस्ती बड़ी नहीं थी और सिटी बसेस वगैरह तो चलती ही नहीं थी जैसे मैंने बताया, तो जंगल भी कहाँ, और जंगल सिटी में नहीं था लेकिन हम जंगल ढूंढते थे क्योंकि हमारा स्कूल करीब 4-5 किलोमीटर दूर था। आपको वाकई तजुब होगा लेकिन हम लोग पैदल चले जाते थे इतना दूर। और आजकल तो मैंने देखा मेरे बच्चे भी, नाई का दुकान इधर है लेकिन कटिंग करने के लिए भी अपनी बाइक निकाल के जाते हैं। मैं बोले थोड़ा तो पैदल चला करो। तो खैर, तो बेर मतलब वहाँ जंगल में घुस के बेर के समय बेर जमा करते थे, वहाँ भी काटे हमको काटे लगते थे, खरोच आती थी, खून निकलता था, हमको परवाह थोड़ी थी, वहाँ जाके बेर भी चूसते थे कटे। अच्छा वो जमीन पे गिरे हुए बेर, कैसी गंदी मिट्टी, जानवर भी वहाँ जाते रहते, जंगल है तो जानवर तो जाएंगे ही जाएंगे, हमको उससे कुछ नहीं, हमारा शरीर एकदम सैनिटाइज हो गया था। अभी तो कोरोना के लिए थोड़ा थोड़ा सैनिटाइजर लगाते हैं, लगाना पड़ता है, क्या करेंगे, तो क्योंकि कोरोना भी अभी टेक्नोलॉजी युग का है ना रोग, उस समय तो हम बहुत फिट थे मतलब, तो वो वैसे ही खा जाते थे। लड़के लोग तो जेब में भर देते थे, हमारे पास तो जेब में देते, हमारे फ्रॉक में जेब कहाँ रहती थी, हमारे फ्रॉक में तो जेब नहीं रहती थी, तो हम हाथ में या बस्ता उसी में जगह बना के, या बहुत ज़्यादा मिले तो अपने फ्रॉक को भी ऐसा थैला बना के ऐसे ऐसे बना के जाते थे। अरे पूछ पूछो मत, हम लोगों ने क्या धूम, मतलब ये पार्टी के बहाने आप लोगों से बात करने का मुझे मौका मिला तो मुझे भी ऐसा लगा चलो कुछ अपनी यादें भी ताज़ा कर लो, आपको भी ये सुन के अपने बचपन की यादें बहुत याद आएगी, आपकी भी कुछ शरारतें होगी, कुछ किस्से होंगे, कुछ कहानियाँ होगी, तो ये सब आज आप सोचने पे ये हो जाएगी। हाँ सही में वाकई फिर आप उस जमाने में चले जाओगे सब लोग और उस पल का आनंद लेके आपकी रात कटेगी, यही मेरी शुभकामना है। आप सब लोग बचपन में जाओ क्योंकि उम्र बढ़ना तो एक नंबर है, हमेशा हंसी खुशी रहो, दिल लगी करते रहो, उम्र बढ़ने दो, अपने मन को तरोताजा रखो, अपने मन को बूढ़ा मत करो, वो हमेशा जवान रहना चाहिए, जवानी का जोश चैतन्य ये सब उसमें होना चाहिए। बस यही शुभकामनाओं के साथ, मुझे और भी कुछ बहुत कुछ कहने का है और क्या बात करूं, कैसे बताऊं, क्या क्या करूं। हाँ अभी मुझे प्रसाद से याद आया, कुएं के ऊपर मतलब मंदिर में हम जब प्रसाद के लिए जाते थे ना तो प्यास भी लगती थी, तो प्यास तो लगती थी तो वहीं बावड़ी मतलब कुआं था और वहाँ बकेट रहती थी,
तो उसमें से हम ऐसे ऐसे पानी भी खींच लेते थे कैसे भी, और हाथ तो कोई ओक बना के या ऐसा उसमें पानी पीते थे। हमारे मित्र हमारे हाथ के ऊपर डालते थे, हम भी उनको प्यास लगी तो उनके हाथ के ऊपर, वो पानी मुंह में कब जाता था, हमारे कपड़ों पे ज्यादा गिरता था, अरे गीले कपड़ों से ही। लेकिन हमको किसी चीज़ की परवाह ही नहीं थी, हमें कुछ लगे, चोट आए, हमारे कपड़े गीले हुए, हमारे पाँव में कुछ क्या बोलते हैं गोबर लगे, बस वही पत्ता कुछ मिला या पत्थर भी मिला तो उसको रगड़ दिया, हो गया ऐसा ऐसे हम लोग करते थे ऐसे। ये मतलब मुझे भी बहुत अच्छा लगा है कि ये पाती वाचन के बहाने इस तरह से रूबरू होकर मैं आपसे अपनी बचपन के कुछ बातें शेयर कर रही हूँ, तो जरूर मुझे आनंद आएगा उसमें शिरकत करने के लिए। कम से कम कहानी के द्वारा अपने मन के मनोभाव हम बता सकेंगे। और दूसरी बात है, ये पाती लेखन और कहानी लेखन में क्या फर्क है? पाती में हम लोग जो बातें होती है, जो वास्तव है, उसी को लिखते हैं, उसी का मजा लेते हैं। लेकिन कहानी में तो हम लोग अपने मन से कहानी के मुताबिक क्या जरूरी है क्या लें कुछ बातें घुसेड़ भी देते हैं, तो ये सब होते रहता है। तो जो क्या बोलते जीवंत अनुभव जो पाती लेखन में या पाती पढ़ने में हमको है, वो कथानक में तो आता ही है, लेकिन पाती की बात ही कुछ निराली है। मैं तो अभी यही सबसे कहूँगी, एक निवेदन, नम्र निवेदन है सबसे, आप बिल्कुल पाती लिखना चालू कीजिए। एक तो भी पाती लिख के आप अपने दोस्तों को, परिवार में, जैसे हम राखी भी भेजते हैं अपने भैया लोगों को राखी के दिन में, उसके साथ कुछ लिख के भी भेजते हैं, तो साल में एक बार क्यों, महीने में एक बार एक नियम बना लीजिए और पाती लिखने का प्रावधान रखिए कि नहीं मुझे ये करना ही है पाती। आप देखिए आपको बहुत आनंद आएगा, बहुत मजा आएगा। तो इतना मतलब बहुत है मुझे कहने के लिए, बोलने के लिए बहुत है, लेकिन क्या बोलूँ क्या क्या नहीं बोलूँ ऐसा मुझे लग रहा है। मुझे सही में वाकई आप लोग हंस रहे होंगे। अभी तो सही में मेरी पोती 11 साल की है और पोता मेरा 5-6 साल का है। लेकिन मुझे मेरा बेटा भी बोलता है, मम्मी तुम तो ऐसा लगता है 26 साल की हो क्या। कभी मैं उसको बोलती हूँ, बेटा तू रश्मि को, मतलब मेरी बहू बहू को लेके घूमने जाता है ना कार में वगैरह, मुझे तू बाइक में लेके जाया कर करके। ठंडी हवा चल रही है सड़क पे मस्त, और वो गार गार शीतल हवा के झोंके आ रहे हैं। इसलिए वो चिढ़ाते रहता है, इसलिए मुझे ऐसा बच्चा मतलब मेरा बेटा चिढ़ाते रहता है, उसको भी मालूम है। अच्छा अभी मैंने एक डांस शेयर किया था कहीं, वो डांस कंपटीशन था, तो मैंने यूं ही पूछा कि इसमें एज लिमिट है क्या, तो उन्होंने पूछा नहीं एज लिमिट नहीं है, तो मैंने भी अपना एक वीडियो डाल दिया था वहाँ, और मुझे पता ही नहीं लगा कि वो वीडियो इतना पसंद आएगा लोगों को। उसके बाद सर्वप्रथम मेरा बेटा तो यहाँ नहीं रहता, बाहर रहता है, उसको वीडियो भेजा, उसको बहुत पसंद आया, उसने मुझे चिढ़ाया भी, क्योंकि उस समय मैं मोटी हो गई थी, घूमना फिरना बंद था ना घर में, इतने स्थान बंद, तो बोली मम्मी ये क्या तू तो एकदम कद्दू बन गई है। मैं बोली हाँ रे कद्दू बनी तो क्या है, कद्दू भी टुन टुन कर सकता है ना। ऐसा मतलब, तो वाकई मतलब बहुत अच्छा लगा, वो भी एक अनुभव। तो मैं तो आप सब लोगों से बोलते, अरे छोड़ उम्र उम्र होती है, बाल सफ़ेद हो गए तो क्या है, चश्मा लगा तो क्या है, दिल लगी रहना चाहिए दिल में, अपनी ज़िंदगी बढ़िया से जियो बढ़िया से, क्योंकि ये पल फिर आने वाले नहीं हैं, है ना। जो अपने हाथ में है उसका भरपूर आनंद लीजिए, हर एक पल का आनंद लीजिए। गम में भी आप देखो
कि नहीं आप सोचो नहीं नहीं इसमें कुछ अच्छा होने वाला है ज़रूर, और बाद में आप सोचेंगे फिर आपको लगेगा हाँ सही में वाकई मैंने वो सोचा था ना अच्छा लगा, इसीलिए मेरा दुख भी हल्का हो गया। आप ये प्रयोग करके देखिए, बहुत कुछ अच्छा हो जाएगा सब लोगों का, आप लोगों की सद्भावना और प्रेरणा से ही मैं जैसे आगे बढ़ूंगी वैसे आप लोग भी बढ़ेंगे। यदि मेरे से जो छोटे हैं उनको मेरा आशीर्वाद, जो समवयस्क है उनको नमस्कार प्रणाम, जो बड़े हैं उनको साष्टांग नमस्कार। बस यही मेरी शुभकामना है, आप सबके साथ है, आप सब लोग ऐसे ही चुस्त दुरुस्त तंदुरुस्त रहो और हंसी खुशी आपके दिन बिताओ। अरे जिंदगी में रखा है क्या है ना, ठीक है। आप सबका धन्यवाद, जय हिंद।